हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए वीडियो को फटाफट चालू करते हैं बनाना। वीडियो के साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी और बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है रेसिपी मेरे। वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ले लिया है, ये क्या है देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये है लौकी के छिलके। इसके सब्जी तो आप लोग बहुत बार खाए होंगे, बहुत तरीके का बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लौकी के छिलके की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे लौकी के छिलके का भी बनता है क्या। देखिए तो आज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी, आज के बाद अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो लौकी के छिलके फेंकेंगे नहीं और बहुत ही पसंद से बनाकर ये खाने वाले हैं। आप सभी लोगों को पसंद आने वाला है। तो देखिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने लौकी को छील के उसके छिलके को उतार के ले लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप ले लीजिए बाउल, और उसमें हमें ये छिलकों को जो मैंने यहाँ पे छील के ले लिया है इसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके बिल्कुल फटाफट कट कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े हमें नहीं कट करना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इस रेसिपी को देखने के बाद सच बता रहे हैं आप लोग छिलका फेंकना भूल जाएंगे लौकी के, जब मेरी ये रेसिपी आप लोग देखेंगी तो। सारे कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे लौकी के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। बस इतना बड़ा बड़ा करना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और अब इसमें हम क्या क्या हमें सामान चाहिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 कप भर के बेसन। तो इसमें हम बेसन डाल देते हैं। आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकती हैं, कितना बना रही हैं उस हिसाब से बेसन ले लीजिएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैं ले ली हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करती होंगे तो मिर्च कम कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को भी खाना रहता है, तीखा कम कर दीजिएगा। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच के लगभग डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी ले लिए हैं 1/2 चम्मच के लगभग। और नमक डाल देंगे, तो नमक अपने टेस्ट अनुसार डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डालती हूँ, यहाँ पे हम नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बस इतना नमक काफ़ी है। और अब इसका हमें हल्का सा पानी डाल लेना है। इसे हम बिल्कुल, इसका घोल नहीं बनाना है हमें, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को, बस गाढ़ा सा करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देख लेते हैं, एक बार में डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म है और अब हम इसका जो है पकौड़ी बनाते हैं। जो ये लौकी के छिलके का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, इसका हम पकौड़ी बनाएंगे। यकी आप सोच रहे होंगे कि छिलके की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी, आप यकीन मानिए जब बना के खाएंगे तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, या किसी को भी खिलाइएगा फ्रेंड्स तो यकीन नहीं कीजिएगा कि ये आपने लौकी के छिलके से बनाया। जब मैंने भी अपने घर में पहली बार बनाया तो यकीन मानिए किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये लौकी के छिलके से बना हुआ है। तो आप लोग भी बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही पसंद आने वाला है। तेल हमारा गर्म है, अब इसे, इसको बिल्कुल पतला आप लोग मत कीजिएगा, इसका घोल जो है गाढ़ा रहेगा। अब इसको हम तल लेते हैं, छोटे छोटे तल लेंगे, जैसे पकौड़ी बनाते हैं सिर्फ उसी तरह बनाना है।
बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, ये इतने टेस्टी होते हैं। तो इसमें हम इसे होने देते हैं, तो इसे हम देखिए पलट देंगे फ्रेंड्स, एक तरफ से सेक गया है, दूसरे तरफ से भी सेक जाए। इसे हो जाने देंगे। तो देखिए ये हो गया है हमारा पकौड़ी, इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बिल्कुल हुआ है और ये बिल्कुल क्रिस्पी होता है, बहुत ही बढ़िया ये लगता है खाने में। इतने कुरकुरे पकौड़े तैयार होते हैं, ये देखिए। तो सबको मैं ऐसे ही सबको तल लेना है, तल लेते हैं सबको। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं, तो आप देख सकती हैं कितना टेस्टी पकोड़े और इतना कुरकुरे ये पकोड़े बनते हैं। आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं फ्रेंड्स, और इतना टेस्टी लगता है यकीन नहीं मानोगे आप, जब बना के आप लोग खाओगे ना तो कहोगे कि सच में बहुत ही टेस्टी। और ये भी कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे लौकी के छिलके से बनाया है। तो आप लोग भी एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।